दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद अब बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की 3 T20 की मैचों की सीरीज का आगाज हो चुका है और इस T20 का पहला T20 मुकाबला इस दिन और इतने बजे से शुरू होगा। तो क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन आप भी भारतीय टीम के बड़े फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस समय हमारी भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी, जहाँ पर आप को बता दें 3 वनडे और 3 T20 और 2 टेस्ट की श्रृंखला खेली है। वहीं आपको भारतीय टीम ने पहले T20 के मुकाबले में 1-1 से सीरीज बराबरी हो गई। उसके बाद वनडे के सीरीज में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया। उसके बाद टेस्ट श्रृंखला भी 1-1 से बराबर रही। अब भारतीय टीम दोस्तों वापस आ गई है इंडिया। अब भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की T20 का सीरीज का श्रृंखला आगाज हो चुका है। आपको बता दें तो इसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को दोस्तों मौका नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता। वहीं भारतीय टीम के सभी युवाओं के साथ T20 का सीरीज खेलेगी। इस T20 के मैच का पहला आपको बता दें T20 मुकाबला 11 जनवरी को मोहाली के स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मुकाबले का भारतीय समय अनुसार जो टॉस होगा वो शाम को 6:30 बजे होगा और पहली गेंद जो फेंकी जाएगी वो शाम के 7 बजे आपका मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। और अब तक इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कुल 5 T20 के मुकाबले खेले गए, जहां पर भारतीय टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबले का कोई भी नतीजा नहीं निकला। तो क्या भारतीय टीम दोस्तों अफगानिस्तान की सीरीज में 3 T20 के मुकाबले में यहाँ पे सीरीज पर कब्जा कर पाएगी? आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।